हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम मैं बनाऊंगी मैगी। बहुत दिन हो गए मुझे चैनल शुरू किए, लेकिन मैंने मैगी का कोई वीडियो नहीं डाला। अब ये देखिए, मैगी तो सबकी फेवरेट होती है। कढ़ाई में बटर डाल दिया, बारीक बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए, और ये मेरी मैगी है तो मेरी मर्जी से बनेगी। हाँ, मैगी में इम्पोर्टेंट क्या होता है, मैगी पानी और मैगी का मसाला, और भी आप जो भी डालना चाहे वो उसमें आराम से डाल सकते हैं, क्योंकि ये मेरी मैगी है। मैं इसमें बारीक बारीक कटे हुए प्याज डाली, शिमला मिर्ची डाली, और मैगी से जुड़ी हुई सबकी बहुत सारी यादें होती हैं। जैसे कि हम हॉस्टल में रहते हैं तो सबसे भूख लगी तो सबसे जल्दी क्या बन जाती है, मैगी। वैसे तो ये 2 मिनट में नहीं बनती है, 4 से 5 मिनट इसे लगते हैं। पानी वानी बॉईल करने में, वेजिटेबल्स काट के सब कुछ करने में समय तो लगता है, लेकिन फिर भी इसे बोलते हैं 2 मिनट की मैगी। हाँ, अभी देखिए मैंने इसको, मैगी को कितना कलरफुल कर दिया है। वाइट प्याज, हरे शिमला मिर्च और लाल टमाटर, गाजर जिसका कलर येलो येलो सा आ रहा है। अब कलरफुल मैगी हो गई है ये। अब इसमें 1 कप बड़े कप से पानी डाल देंगे। 2 मैगी मैं यहाँ पे डालूंगी, थोड़ा सा पानी और ऐड किया है, ये देखिए। उसके बाद ढक्कन लगा देंगे, जब बॉयल हो जाए ये पानी, इस तरीके से आपको वेजिटेबल्स पक जाए। थोड़ा सा गर्म पानी मैं निकाल लूँगी, बहुत थोड़ा सा संभाल के, जिससे सब्जियाँ ना आए। और कटोरी में अलग से, आप ये तो पता ही है किस चीज़ के लिए है, सबको पता है, ये मैगी मसाला मिक्स करने के लिए है। अब ये रही मैगी, जिस पर लिखा है 2 मिनट्स। अब मैं मैगी को कट नहीं करती हूँ, कभी भी तोड़ती नहीं हूँ उसे, इसी तरीके से इसमें डाल देती हूँ। अब इसे 1 से 2 मिनट तक मैं वापस से ढक दूँगी, और ये देखिए आराम से ये मैगी पूरी हमारी एक एक लेयर इसमें से निकल चुका है। ये देखिए अच्छे से ये सारे खुल चुके हैं इसकी एक एक लेयर, और अब हमारी मैगी में टाइम आ चुका है तो मैगी मसाला ऐड करने का। और ये देखिए मैंने इस तरीके से घोल बना लिया, आप भी इस तरीके से घोल बना लें, और फटाफट जैसा चाहें जो भी वेजिटेबल्स डालना चाहें वो डालें, और कुछ भी नहीं हो तो मैगी मसाला और पानी डाल के आप इसे पका लें। मैं इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ, ऑलरेडी नमक मैं थोड़ा कम ही खाते हैं। ये देखिए, उसके बाद मैंने सोया सॉस इसमें, सेज़वान सॉस डाल दिया है, उसके बाद सोया सॉस भी डालूंगी थोड़े से, क्योंकि ये मेरी मैगी है तो मेरी हिसाब से ही बनेगी। और टेस्टी टेस्टी, इसको थोड़ा और चाइनीज़ फ्लेवर देने के लिए मैं इसको, देखिए सोया सॉस डाल दिया, कलर फ्लेवर सब कुछ आ जाएगा, और ये थोड़ा तीखा भी हो जाएगा सेज़वान सॉस का टेक्सचर से। ये देखिए बहुत अच्छे से मैगी को 1 से 2 मिनट तक मिक्स कर लेंगे, जिससे और भी हमारी सब्जियां इसमें अभी घुली घुली से नहीं लग रही हैं, तो ये और भी लबाबदार हो जाए। और मैगी इस तरीके से बनाए चाहे अपनी तरीके से बनाए, मैगी का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला है, यकीन मानिए। लेकिन हाँ, और ज़्यादा टेस्टी ज़रूर हो जाएगी अगर आप इस तरीके से अपनी मैगी बनाएंगे तो। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। डायरेक्ट मैगी ली और दोनों हाथों से गरम कर गरम गरम मैगी बाउल में डाल दिया, और अब फटाफट इसे खाना शुरू कर दीजिए, एक भी मिनट का समय ना बर्बाद करते हुए। लेकिन हाँ, इसमें कुछ तो मिसिंग है, पनीर। अब मैं इसमें वाइट वाइट पनीर डाल दूंगी, और आप सोच रहे होंगे इनको कलर का बहुत वो है। जी हाँ, मुझे कलर बहुत पसंद आते हैं, चाहे वो कोई भी कलर हो, रेड येलो ग्रीन, सारे कलर मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे पास एक चीज़ स्लाइस थी जो कि मैंने इसे रख दिए है, और इसे इस तरीके से मैंने दबा दिया कि ये गर्म हो जाए, और ऊपर से इसके बाद मैं आपको वीडियो निकालने के बाद मैगी को चीज़ के ऊपर रख दूंगी, जिससे मैं पूरी तरीके से मेरा चीज़ मेल्ट हो जाए। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और खुश रहें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।